किस हाथ की किस उंगली से किसको तिलक लगाना चाहिए, आज इस वीडियो में बताएंगे तिलक लगाने का सही तरीका क्या है। तिलक तर्जनी से कब लगाते हैं, मध्यमा उंगली से किसको लगाते हैं, अनामिका से किसको लगाते हैं और अंगूठे से किसको तिलक करते हैं, आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारी वीडियो का लाभ प्राप्त हो। साथियों, तिलक माथे पर लगाने से हमारे मस्तिष्क में जो ब्रह्म विराजमान है वो जागृत होता है। साथ ही साथ तिलक लगाने से शोभा भी बढ़ती है, सौंदर्य भी बढ़ता है और तिलक का महत्व तो बहुत बड़ा है। किसी को जब हम मान सम्मान देते हैं तो उसका तिलक लगाते हैं। महाराज छत्रपति शिवाजी का भी तिलक करने के लिए काशी बनारस से ब्राह्मण को बुलाया गया था। तो तिलक कब, कैसे और किसको लगाना चाहिए, दाहिने हाथ से लगाना है या बाएं हाथ से, दाहिने हाथ की उंगली किस उंगली से किसको तिलक करना है, आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिए, अंत तक देखिए, महत्वपूर्ण वीडियो है। यदि आपको नहीं मालूम है तो आपके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, तर्जनी से तिलक, सबसे पहले समझ लें, तिलक हमेशा दाहिने हाथ से ही लगाया जाता है और तर्जनी से, दाहिने हाथ की तर्जनी से जो तिलक है वो पितृगणों यानी कि जब हम श्राद्ध करते हैं पिंड को तिलक लगाते हैं तो तर्जनी उंगली से तिलक लगाना चाहिए, तिलक लगाया जाता है। मध्यमा उंगली से जब हम स्वयं अपने आप को, खुद को तिलक करते हैं तो मध्यमा उंगली से हमेशा स्वयं दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए। और अनामिका से अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अनामिका से ही तिलक करना चाहिए। और हमारे घर में मेहमान आते हैं या अतिथियों का तिलक कभी भी कहीं करना हो तो अतिथि का तिलक हमेशा अंगूठे से करते हैं। यह तिलक लगाने का सबसे सही तरीका है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल चुका होगा तिलक किसको कैसे लगाना चाहिए, किस उंगली से लगाना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे, स्वस्थ रखे।